हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग हमेशा की तरह। ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा नोटिस आया है एमसीसी की तरफ से, और नोटिस आया है आपके रिजल्ट को लेकर। जो कल रिजल्ट आया था राउंड टू का, उसको विड्रॉल कर लिया गया है एमसीसी की तरफ से, और एक देखते हैं वो रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको पूरी बात बता देता हूँ, ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने राउंड टू में चॉइस फिलिंग करी थी या अपग्रेडेशन किया था। ये उनके लिए भी नोटिस है जो रिवाइज्ड कट ऑफ का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो राउंड टू का रिजल्ट है उसको विड्रॉल कर लिया गया है राउंड, ठीक है, उसको डिले कर दिया गया है। अब क्यों किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ क्या है, एक आंध्र प्रदेश में एक स्टूडेंट ने पिटीशन यहाँ पे डाली है, फाइल करी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। और वो इसलिए डाली है कि उसको केस ये था कि उसको राउंड वन में सीट अलॉट हो गई। ठीक है, उसने वहाँ पे कॉलेज में जाके रिपोर्ट भी कर दी और विलिंगनेस में यस भी डाल दी। बट वो राउंड टू में जब चॉइस फिलिंग करने लगा तो उसका कोई ग्लिच आ गया टेक्निकल, और उस वजह से वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब 24th और 25th अगस्त के बीच, तो उसने काफ़ी मेल किए, ठीक है, उस कैंडिडेट ने काफ़ी मेल किए एमसीसी को, बट एमसीसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया और कुछ भी नहीं हुआ। और जब अलॉटमेंट आया कल, तो उसको भी वो अलॉट नहीं हो पाया। और उसने साफ साफ कहा कि मेरे से लोअर रैंकर्स को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है और मुझे नहीं हुआ, जिसमें एमसीसी की गलती है। अब देखना ये होगा कि क्या एमसीसी दोबारा चॉइस फिलिंग कराती है, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो पेटिशनर है, जिन्होंने पेटिशन फाइल किया है, ठीक है, और भी कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर एक के साथ ही दिक्कत आई है तो औरों के साथ भी आ सकती है, ठीक है, बट अभी ये एक ही केस है हमारे सामने। ठीक है, और ये नहीं पता कितने लोगों ने एक साथ मिलके किया है ये, तो काफ़ी सबके साथ ये दिक्कत आई होगी। तो मे भी ये हो सकता है कि जिनके साथ ये दिक्कत आई उन सभी को यहाँ पे दोबारा से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाए। ठीक है, बट ये कि उससे फिर फ़र्क पड़ेगा और कैंडिडेट्स को भी, तो देखना होगा क्या डिसीजन निकल के आता है और क्या आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और इसके साथ जो मैं बात कर रहा था रिवाइज कट ऑफ के लिए, तो जो हम डेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 6th या 7th सितंबर को आपकी रिवाइज कट ऑफ की डेट आ सकती है, वो अब एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि रिजल्ट एक्सटेंड हो गया, रिजल्ट से ज्वाइनिंग एक्सटेंड होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद जो एमसीसी की डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेगी वो एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो अब जो डेट है वो 6-7 ना होके शायद मे बी जो हमें लग रहा है, जो हम जो स्टेट्स कह रहे हैं 8th या 9th या 10th से मोस्ट प्रोबेबली 10th सितंबर तक आपकी रिवाइज कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी से आप सब थोड़ा सा और वेट यहाँ पे करना पड़ सकता है, और अभी देखते हैं इस केस में क्या अपडेट आता है और क्या फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। और मे बी थोड़ा और डिले हुआ तो स्टेट की काउंसलिंग में भी थोड़ा सा डिले देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अभी के लिए न्यूज़ थी ये, और अभी के लिए अपडेट था। हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे पैकेजेस ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, या ऑफिस विजिट कर सकते हैं, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा बता दूं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें, और एक पेड काउंसलिंग का जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा एक हमने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशली फॉर रिवाइज कट ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।